आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 मैच नंबर 34 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, यह मैच खेला जाएगा थर्सडे 4 नवंबर इंडिया टाइम अनुसार 3:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं और यह मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। दोस्तों आप सबको पता है ना जो 22 गज की पट्टी होती है वो तय करती है आज का मैच कैसे चलेगा। तो आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं दुबई की पिच रिपोर्ट क्या होने वाली, बिहेवियर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, कितना स्कोर बनेगा, क्या वो स्कोर चेंज होगा या फिर डिफेंड होगा। इसके अलावा ये भी देखेंगे दुबई के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया करेगा बढ़िया परफॉर्मेंस, जीतेगा आज का मैच या फिर दिखाएगा बांग्लादेश दमखम और जीतेगा आज का मैच। दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो दुबई के मैदान पे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा रन बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं, अपनी फंटेसी क्रिकेट के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे ऐसे प्लेयर। फंटेसी क्रिकेट से मुझे एक चीज़ याद आई, क्या याद आई चलो जानते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सभी T20 वर्ल्ड कप को लेके ना काफी ज्यादा उत्साहित हैं और दोस्तों आप सबको तो पता ही है मैं क्रिकेट से कितना ज्यादा प्यार करता हूं, सभी मैचों के एनालिसिस करता हूं, प्रीव्यू करता हूं और ये सब करते हुए हाल ही में मैंने माई 11 सर्कल ऐप यूज करना स्टार्ट किया। दोस्तों इस ऐप की खासियत यह है कि माई 11 सर्कल में हम सच में BBS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और अजिंक्य रहाणे जैसे चैंपियन के साथ खेल सकते हैं और उनके आमने सामने जाने का मौका पा सकते हैं। और दोस्तों माई 11 सर्कल हमारे और आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आया है T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया कोई भी मैच जीतता है तो जो हमारी जीत होगी वो दोगुनी हो जाएगी, मतलब अगर आपने ₹500 जीता तो आपकी जो जीत है वो डबल कर दी जाएगी, मतलब ₹500 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इंडिया की हर जीत पे कैश प्राइस डबल पाओ। और दोस्तों इतना ही नहीं, माई 11 सर्कल पे आपको 1500 का वेलकम बोनस मिलता है और आप जो भी फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं उस पे 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलता है। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करना है और माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना है। एवरीबॉडी माई 11 सर्कल की जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे व्यूअर हैं यानी कि आप लिंक से करेंगे डाउनलोड तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% का एक्स्ट्रा कैश, इसके अलावा 1500 का वेलकम बोनस तो मिल रहा है। जब इतना कुछ माई 11 सर्कल पे आपको मिल रहा है तो ज्यादा मत सोचिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए माई 11 सर्कल को डाउनलोड करिए और आज से ही शुरू हो जाइए। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी मैच की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पर सभी मैचों की प्रेडिक्शन आपको मिल जाती है, जो टेलीग्राम की लिंक है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं दुबई के मैदान पर अभी तक जो T20 के मैच खेले गए उन मैचों का रिकॉर्ड्स क्या रहा, क्योंकि रिकॉर्ड्स जान लेंगे तो बिहेवियर एंड कंडीशन जानने में काफी ज्यादा आसानी होगी। दुबई के मैदान पर अभी तक 69 मैच खेलेगा जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ है 34 मैच में और टारगेट चेज भी हुआ है 34 मैच में। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 144 रन, हाईस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 211 जो कि टीम श्रीलंका के नाम पर है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 55 ऑल आउट जो कि टीम वेस्ट इंडीज के नाम पर है। एवरीबॉडी अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ का जो विकेट है ना वो ड्राई एंड ग्रॉस है, आप देखोगे यहाँ के पिच पे आपको हरी घास दिखेगी जिससे होगा क्या, जो तेज गेंदबाज हो उनको न्यू बॉल से स्विंग मिलेगा, थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। वैसे कंडीशन की बात करें तो बैटिंग कंडीशन है, टॉस की बात करें तो जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करती नजर आएगी क्योंकि यहां के मैदान पर रन चेज करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर हम इस मैदान पर टारगेट चेज की बात करें तो 140 से नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 156, 156 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। वहीं 140 से 156 के बीच में स्कोर बनेगा तो आप ये समझ जाना ये जो मामला है ना वो 50-50 का चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। अगर हम इस मैदान पर हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें 179 जिसे अफगानिस्तान ने UAE के सामने 2016 में किया था, लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें 118 रन जिसे पपुआ न्यू गिनिया ने केन्या के सामने 2019 में किया था। अगर हम इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर अभी तक T20 के 9 मैच खेले हैं जिसमें से बस 3 ही मैच जीता है, 6 मैच हारा है, मतलब जो इनकी परफॉर्मेंस है दुबई के मैदान पर वो कुछ खास नहीं है। बांग्लादेश की बात करें तो पहली बार T20 मैच खेलेगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दुबई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया
करेगा बढ़िया परफॉर्मेंस जीतेगा आज का मैच, या फिर बांग्लादेश करेगा दमदार परफॉर्मेंस जीतेगा आज का मैच। ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो इनकी बल्लेबाजी पिछले मैच में ताश की पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन उससे पहले जो इनकी बल्लेबाजी रही थी वो बढ़िया रही थी। अगर मैं दुबई के विकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को यहाँ का जो विकेट है वो रास आएगा, पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉल होता है पेस के साथ बैट पर आता है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी है बढ़िया हो सकती है। अगर हम इनके बल्लेबाजों की बात करें तो लास्ट मैच को छोड़कर फॉर्म में भी हैं, तो हम कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी वो बढ़िया होने वाली है। गेंदबाजों की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि ये विरेशन काफ़ी अच्छे से करते हैं, दुबई के विकेट पर बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि वो सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो चुका है, उसका आखिरी मैच है, जीत के साथ विदा करना चाहेगा। अगर हम उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो उनको यहाँ का जो विकेट है वो पसंद तो आएगा, लेकिन इनके बल्लेबाज इतने ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म में है कि कितना भी अच्छा विकेट हो वहाँ पे ये रन नहीं बना पाते। गेंदबाजों की बात करें तो इनके गेंदबाजों ने इम्प्रेस किया, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी है सभी पिच पे। दुबई के विकेट की बात करो तो यहाँ पर भी इनकी गेंदबाजी बढ़िया होने वाली है, लेकिन बल्लेबाजों का साथ ना मिलने की वजह से ये एक भी मैच अभी तक नहीं जीत पाए सुपर 12 में। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, बांग्लादेश के जीतने के चांसेस कम है। तो अगर हम इस मैच की बात करें तो ये मैच हम कह सकते हैं 70-30 है, 70 ऑस्ट्रेलिया 30 बांग्लादेश, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है इस मैच में ज़्यादा जीतने के चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं, बांग्लादेश के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंटेसी क्रिकेट की। मिशेल मार्श 9 मैच 272, एरॉन फिंच 5 मैच 168। बांग्लादेश की बात करें तो महमदुल्ला 10 मैच 222 रन, मोहम्मद नईम 9 मैच 222 रन, मुशफिकुर रहीम 7 मैच 143 रन। और गेंदबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपर 9 मैच 14 विकेट, जॉस हेजलवुड 8 मैच 10 विकेट। बांग्लादेश की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान 8 मैच 13 विकेट, मेहंदी हसन 7 मैच 8 विकेट। तो दोस्तों ये वो प्लेयर हैं जो अपनी टीम के लिए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करें सभी मैचों में, तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए ये प्लेयर परफेक्ट होने वाले। अगर हम इस पिच पे बढ़िया परफॉर्मेंस की बात करें तो डेविड वार्नर 251 रन बना चुके हैं 6 मैच में। गेंदबाजों की बात करें तो मिशेल स्टार्क 5 मैच में 7 विकेट और पैट कमिंस 5 मैच में 7 विकेट। तो दोस्तों ये वो प्लेयर हैं जो दुबई के मैदान पर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए आप इन्हें भी देख सकते। हेड टू हेड की बात करें तो मिशेल मार्श 162 रन बना चुके हैं बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश की बात करें तो महमदुल्ला 148 और अफीफ हुसैन 109 बना चुके हैं टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने। गेंदबाजों की बात करें जॉस हेजलवुड और एडम जंपा 8-8 विकेट चटका चुके हैं बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश की बात करें मुस्तफिजुर रहमान 9 और नसूम अहमद 8 विकेट चटका चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो दोस्तों ये वो प्लेयर हैं जो एक दूसरे टीम के सामने हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो एवरीबॉडी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।